दिया। अब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बात, मैंने सूद को हराम कर दिया। सूद क्या? जिसे आप ब्याज कहते हो, अल्लाह अकबर, जिसे आप इंटरेस्ट कहते हो, मेरे आका ने सलात व तस्लीम के दीवानों सूद कहते हो, अल्लाह अकबर, ये सूद क्या है? आका फरमाते मैंने हराम किया। और अल्लाह अल्लाह, आज क्या हो रहा है? हर साल हज पे जाया जा रहा है, हर साल उमरे पे जाया जा रहा है, बेहतरीन स्त्री टाइट करके सफेद कुर्ते पैजामे पहने जा रहे हैं, टोपियां भी खूबसूरत है, सब खूबसूरत है, लेकिन आपको बताऊं मुसलमानों, हो क्या रहा है, मामलात क्या हो रहे हैं? सूद के धंधे, हराम कारोबार इस कौम का तुर्र इम्तियाज बनता जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ, इस पर कौन एक्शन लेगा, इस पर कौन तवज्जो करेगा, इस पर कौन मेहनत करेगा? मेहनत हमने करनी है, मेहनत हमने करनी है। अच्छी तरह याद रखना मेरे भाइयों, आज जो इस उम्मत की अहमियत नहीं रह गई, हैसियत नहीं रह गई, वजह पेट के अंदर हराम आ गया है। इसलिए हराम आया है तो सोचते भी हराम है, बोलते भी हराम है, करते भी हराम है। असल चीज पेट है, पेट मैदा। अगर इसमें हलाल जाए ना तो सोच भी हलाल होगी, देखना भी हलाल होगा, बोलना भी हलाल होगा, सुनना भी हलाल होगा। आज गोया के पहला सबक यह है हज्जतुल वदा के खुतबे का, हलाल को लाजिम पकड़ो, हलाल को। आजकल कुछ लोग कहते हैं, मौलाना ये बताएं आप कि अगर हम हलाल कमाने निकलेंगे तो तरक्की तो नहीं कर सकेंगे ना, हम कामयाब तो नहीं हो सकेंगे ना। मैं कहता हूं मेरे अजीज, पहले अपना अकीदा दुरुस्त कर लो। आप जरा सोचो तो सही मुसलमानों, अल्लाह अकबर, आप ये क्यों कहते हो हलाल कमाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे? मेरे अजीज, अगर हलाल कमाने से नाकामी होती तो अल्लाह कभी हलाल कमाने का हुक्म ही नहीं देता। अल्लाह तबारक व ताला ने वही हुक्म दिया जिसमें कामयाबी है, जिसमें कामरानी है। आगे मैं अपने उन भाइयों की तरफ, आज जो नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि बड़ी माजरत के साथ, बुरा नहीं मानना राजकोट वालों, कभी कभी ये होता है कि न्याज की ज्यादा देगे उनके घरों के आंगन में नजर आती है जिनके कारोबार हराम के हैं। कीमती चादरें पीर के आस्ताने पे उसके यहाँ से जाती नजर आती है जिनके कारोबार हराम के, क्योंकि वो मुतमईन है कि मौलाना मैं हराम कमा रहा हूँ लेकिन इतना मैं नेक काम भी तो कर रहा हूँ। तो मैं उनका दिमाग खोल दूं मेरे अजीज, जो हराम काम से, सूद के पैसे से, चोरी के पैसे से, हराम के पैसे से नेक काम करते हैं, गोया के वो नापाक कपड़े को पेशाब से धोते हैं। अब मुझे बताओ, जो नापाक कपड़ा पेशाब से धोए तो क्या कभी वो कपड़ा पाक हो सकता है? आप अगर उमरा को जा रहे सूद के पैसे से, लॉटरी के पैसे से, हराम पैसे से, हर कदम पर गुना लिखा जा रहा है। एहराम पहन रहे, हर कदम पर गुना लिखा जा रहा है। सुनो, हर साल का उमरा फर्ज नहीं है, लेकिन हराम से बचना हम पे फर्ज करार दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, कोई पूरी जिंदगी अगर नबी का हरम न देखे तवज्जो करना, ये मेरे दिल की आवाज, ये सादात और उलमा के सामने मैं सबक सुनाने के लिए, मैं कोई खतीब, कोई अदीब, कोई अहले इल्म नहीं, सबक सुनाने के लिए आपके दरवाजे की दहलीज पर ये जुमले पेश कर रहा हूं। कोई पूरी जिंदगी नबी का हरम न देखे लेकिन हलाल पर इस्तेकामत पकड़े, हराम से बचे, हत्ता के अगर हराम से बच जाए तो देखने वालों को वो मकाम नहीं मिलता जो बिन देखे हराम से बचने वाले को मिलता है। मिसाल देता हूं, अभी समझ में आएगी, आपके भी समझ में आएगी, बहनों के भी समझ में आएगी। माँ का कहना तोड़ना हराम, माँ की बात मानना फर्ज। उवैस कह रहे थे, अम्मी नबी से मिलने जाऊं, अगर जाते माँ का कहना तोड़ के, नबी से मिलना फर्ज नहीं, नबी की जियारत फर्ज नहीं। इस एतबार से जिस पैराए में बहस कर रहा हूं, इसलिए कि बगैर देखे भी कोई मोमिन हो सकता है, बगैर मिले भी कोई मोमिन हो सकता है। अरे मिलने वाला जो 24 घंटे तक देखता रहा लेकिन हराम में डूब के देखता रहा, वो अबू जहल के अबू जहल रहा, लेकिन जिसने नबी के दिल का ख्याल किया, हराम से बचा, मां ने कहा नहीं जाना, अगर जाते तो मां का कहना तोड़ना क्या होता? हराम होता। बच गए तो देखने वालों को वो ना मिला जो बिन देखे हुए से करनी को मिल गया। यहां देखने वालों से मुराद सिद्दीक नहीं है, उमर नहीं है, उस्मान नहीं है, अली नहीं है, साद नहीं है, सईद नहीं है, तलहा
नहीं है, जुबैर नहीं है, अबू उबैदा नहीं है, देखने वालों की फेरिस्त वो नहीं, ये देखने वाले तो वो है। मेरा इमाम कहता है जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। हराम में डूबने वाले बेवफाओं ने देखा तो कह लगे ये तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, और जो हराम को छोड़कर हलाल पे फरमा बरदारी पे डट के न देखा तड़पता रहा। मुकाम ये मिला कि नबी पाक हजरत उमर को और अली पाक को भेज कर कहते हैं मेरे उवैस को मेरा जुब्बा देना और कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। आपसे पूछना चाहता हूँ हराम पैसे से उमरा के लिए क्यों, हराम पैसे से हज के लिए क्यों, हराम पैसे से न्यास क्यों? और आपकी भी जिम्मेदारी है कब तक मसलहत पसंदी से काम लोगे? मौलाना वो नाराज हो जाता है इसीलिए हम जाते हैं। अल्लाह बड़ा है कि वो हराम कारोबार वाला बड़ा है, वो नाराज होता है तो होता रहे। मेरे आका ने कहा मेरा उमर हक की वजह से लोगों से लड़ता रहा, हक बोलता रहा, उमर का हक की वजह से कोई दोस्त नहीं बना। तवज्जो करना क्या फरमाया, हक बोलने की वजह से कोई उमर का दोस्त नहीं बना, मगर जब हक की वजह से कोई दोस्त नहीं बना तो हक की वजह से अल्लाह उमर का दोस्त बन गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। आपको क्या काम है किसी खालिक को नाराज करके मखलूक को कभी राजी मत करो। शरीयत का मामला आए तो अटल हो जाओ। करबला सिर्फ बयान करने के लिए है? करबला सिर्फ नान खटाइयां खाने के लिए है? करबला सिर्फ शरबतों की सबील के लिए है? किसके साथ मुनाफिकत कर रहे हो? आले नबी के साथ? खुतबे हज्जतुल वदा ये भी है, अभी मैं आगे